इस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे आज हम लोग होम पेज पे कैटेगरी को भी दिखाएंगे, बट इस बार कैटेगरी को दिखाने के लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे। वो ये है कि हम लोग इस प्रोडक्ट को दिखाने से पहले ऊपर में कैटेगरीज़ को दिखाएंगे, जिससे हम लोग किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करके उससे रिलेटेड प्रोडक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस जगह पे इसका सेक्शन बनाएंगे, बट इसके लिए कॉम्पोनेंट अलग कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। तो हम एक नया कॉम्पोनेंट बनाते हैं जिसका कमांड हो गया PHP आर्टिशन मेक कॉलन कॉम्पोनेंट, और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैटेगरी नेबर। ठीक है, कैटेगरी नेबर ऐसे, तो सेकंड वर्ड आया तो मैंने उसको वो कर दिया, इसको कैप इस तरीके से लिखा जाता है कि पहला कैपिटल हो जाए। अच्छा, तो देखिए ये कॉम्पोनेंट बन गया, वापस से इसको सर्व कर लेते हैं। और ये कॉम्पोनेंट आपको यहाँ पर कॉम्पोनेंट फोल्डर के अंदर दिखेगा, डिज़ाइन आपको यहाँ पर करना है इस जगह पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फ्लिक्स कर से कर लेता हूँ। ठीक है, फ्लिक्स डैश वन, और ओवरफ्लो अगर हो जाए यानी ज़्यादा हो जाए तो स्क्रॉल हो जाए एक्स में। ठीक है, ओवरफ्लो डैश एक्स डैश स्क्रॉल, ये लगा दिया। ठीक है, डब्ल्यू डैश फुल, ये भी लगा देते हैं, और ये डिव क्लोज कर देंगे। और इस जगह पे हम थोड़ा सा पेनिंग डालेंगे, थोड़ा सा मतलब 10% जो मेरा स्टैंडर्ड चला आ रहा है वो। इसके अलावा हम इसमें यहाँ पे कॉलिंग का काम करेंगे, जिससे एक एक करके आइटम दिख जाए। तो फोर ईच लूप लगना है, फोर ईच लूप। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कैटेगरीज लिखेंगे, और यहाँ पे कैट लिख देते हैं स्मॉल नेम। ठीक है, और इस जगह पे ए टैग चूँकि डालना ज़रूरी है, नहीं तो ए टैग ही मेरा मेन सेक्शन है। इसके अंदर डिव होगा, आप डिव डाल सकते हैं, नाम डालना चाहते हैं नाम डाल सकते हैं, H1 H2 जो जैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिंपली नाम दिखाने के लिए H2 यूज़ कर रहा हूँ, और इसका क्लास लगाकर BG डैश स्लेटी 50 कर देते हैं, और बॉर्डर लगा देते हैं PX3 कर देते हैं, PY2 कर देते हैं, और इसके बीच में यहाँ पर मेरा कैटेगरी का जो नाम होगा वो दिखेगा, कैट एरो कैट टाइटल। ठीक है, और जो यहाँ पे ए टैग है इसका लिंक बाद में बनाएंगे हम लोग, अभी फ़िलहाल के लिए क्या करेंगे इसको थोड़ा सा बोल्ड वगैरह कर लेते हैं, या सेमी बोल्ड, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड। ठीक है, तो कैटेगरीज वेरिएबल तो यहाँ से पास नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, हर कंपोनेंट का अपना ही कंट्रोलर होता है जो कि यहाँ पर व्यू कंट्रोलर कहलाता है। यहाँ पर देखिएगा HTTP फोल्डर के अंदर में व्यू नाम का फोल्डर आ जाता है, सॉरी ऐप फोल्डर के अंदर आता है व्यू नाम का फोल्डर, उसमें कॉम्पोनेंट, और वहाँ पर देखिएगा तो ये आपको आपका मेन कॉम्पोनेंट का कंट्रोलर है। तो आपको यहाँ रेंडर मिलेगा और फंक्शन, यहाँ पर आप अपना जैसे आप कंट्रोलर से पास करते थे वैसे ही पास कर सकते हैं। देखिए बहुत ईजी है, कैटेगरी ये मॉडल का नाम हो गया, ऑल सभी कैटेगरीज यहाँ से पास होने हैं, तो डॉलर डाटा पास कर दिया, एकदम वैसे ही जैसे कंट्रोलर से पास कर देते थे वैसे ही आप यहाँ से व्यू कंट्रोलर में भी पास कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना पेज रिफ्रेश करेंगे, सॉरी कहीं तो दिखाया नहीं है, तो होम पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पर जहाँ पे हम लोग टाइटल वगैरह डाला है उसके जस्ट नीचे यहाँ पर चाहो तो टाइटल इसके लिए भी डाल सकते हो, कैटेगरीज के लिए भी। तो कैटेगरीज के लिए लिखोगे तो यहाँ टाइटल को चेंज कर देना, और यहाँ लिखोगे कैटेगरीज। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आप ग्रीडिंग कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एक्स डैश कैटेगरी नेबर जो कि नाम है। ठीक है, नाम को हमेशा इस तरीके से लिखना है, कैटेगरी डैश नेबर जैसे नाम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे लिखने से क्या होगा, आपका काम हो जाएगा। आप रिफ्रेश करके देखिए, देखिए सारा कैटेगरी आ रहा है, देखिए आ रहा है। अब इसको डिस्टेंस देना, गैप देना, ये सब आपका काम होगा, आप आराम से इसको गैप दे सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर फ्लिक्स लगा के चल रहे हैं तो गैप आपका काम करेगा, गैप डैश 3, देखिए परफेक्ट। ये आपकी कैटेगरी जितनी भी है वो यहाँ पे दिख रही है, हालांकि हमको नहीं लगता इसकी हेडिंग की ज़रूरत है, जो मैंने यहाँ पे बोला आपको करने के लिए। होम पेज पे आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और एक और बात कि पेडिंग बाहर है ही, तो फिर कैटेगरी के बारे में यहाँ पेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। चेक कीजिए, एकदम स्टार्ट हो रहा है वहाँ से। और एक चीज़ तो खास है, वही है मार्जिन होना चाहिए, तो PY5 डाल दो, तो ये आपस में डिस्टेंस क्रिएट करेगा इससे भी ऊपर से भी। अब मार्जिन टॉप कहीं पे कुछ है तो उसको हटा दो, नहीं ठीक है। तो ये कैटेगरीज हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको बबल इमेजिन कर लेते हैं, तो ये थोड़ा राउंडेड हो जाएगा, राउंडेड डैश फुल करके देख लेते हैं, ये थोड़ा ओवल शेप में आ जाएगा। और व्हेन आई होवर ऑन इट दे मस्ट बी कलर चेंज करेंगे, ठीक है, मस्ट बी ए टिल 600, एंड व्हेन आई होवर ऑन इट देन टेक्स्ट मस्ट बी ए वाइट।
तो चेक आउट दिस होवरिंग सिस्टम इज़ अ वंडरफुल। ठीक है, तो ये जो स्लेटी कलर है ये बहुत ज़्यादा उभर के नहीं आ रहा है, इसलिए हम टिल कलर का ही 300 डाल देते ताकि ये उभर के आ जाए। तो आप डिज़ाइन के ऊपर तो हमारा उतना फोकस नहीं है, आप जैसे चाहें कर सकते हैं, और अपने क्लिक करने पर कोई पेज खुले ऐसा बनाना होगा। तो जो क्लिक करें और फिर फिल्टरेशन हो, यानी आपका डेटा दिखे बहुत सारा, उसके लिए भी आप एक अलग से पेज बना सकते हैं, जैसे होम पेज आपने बनाया है वैसे ही। उसका नाम मैं फ़िल्टर रख लेता हूँ, फ़िल्टर ब्लेड डॉट पी एच पी। ठीक है, एकदम होम की तरह होगा, इसलिए आपको सब कुछ होम का कॉपी कर लेना चाहिए और पेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पर आप सिर्फ चेंज कर देंगे नाम, ऑब्वियसली यहाँ पे फ़िल्टर हो रहा है तो यहाँ पे अभी नाम तो हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बैनर नहीं देना मुझे इसमें, बैनर हटा दीजिए। कैटेगरी वाला जो सेक्शन है वो आपको देना है, और यू मे ऑल्सो लाइक की जगह पे जो कैटेगरी फ़िल्टर कर रहे हैं वो आपको फ़िल्टर का नाम दे देना। तो मोटे मोटे तौर पर अभी ज़्यादा चेंज नहीं किए, सिर्फ बैनर हटाए हैं हम और टाइटल हटाए हैं। इसका अलग से एक कंपोनेंट बनेगा जिसका कंट्रोलर बनाएंगे, कंट्रोलर होगा होम कंट्रोलर, और यहाँ पे बनेगा पब्लिक फंक्शन, और इसका नाम फ़िल्टर रख लेते हैं, जो कि पेज का नाम रखा तो वही नाम रख लेते हैं। फ़िल्टर जो जिसके अकॉर्डिंग होगा वो स्लग के अकॉर्डिंग होगा, इसलिए मैं स्लग पास कर देता हूँ। और वो सारा प्रोडक्ट दिखाओ जो इस कैटेगरी में जिसका वो सारा प्रोडक्ट दिखाना है बेसिकली हमको, जिसका स्लग नहीं, ऐसे नहीं, वो सारा प्रोडक्ट दिखाओ जिसका स्लग हाँ ठीक है, वो सारा प्रोडक्ट दिखाओ जिसका कैटेगरी का स्लग से मैच हो जाए, उसका फर्स्ट डेटा, उससे रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं। ये जो एरो लगा के प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है ये कैटेगरी मॉडल की वजह से है। कैटेगरी मॉडल आप यहाँ पे देख सकते हैं, मॉडल में, कैटेगरी मॉडल में यहाँ पे प्रोडक्ट चाइल्ड नाम से, चाइल्ड और पैरेंट नाम से, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन प्रोडक्ट हैज़ मैनी, और हैज़ मैनी लगा के आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैटेगरी आई डी प्रोडक्ट है प्रोडक्ट टेबल में, जिसे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो फंक्शन है ये रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया, और आप आराम से इसको टारगेट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स आपका पास हो जाएगा उस रिलेटेड कैटेगरी से। ठीक है, लेकिन इसका बनेगा राउट, तो ऑब्वियसली जहाँ राउट बना था नीचे वहीं पे एक और बनेगा, और इसमें स्लग नाम तो होगा बट वो स्लग यहाँ पहले ही होगा, इसका नाम होगा। अच्छा, इसका नाम आप कैटेगरी भी कर सकते हैं, स्लैश छोड़ना पड़ेगा। कन्फ्यूज़न अगर नहीं हो रहा है अगर आपको तो ठीक है, अगर स्लग भी कर सकते हो कैटेगरी भी कर सकते हो अपने हिसाब से। फंक्शन का नाम है फ़िल्टर, और व्यू डॉट फ़िल्टर, ये फंक्शन का नाम होगा व्यू डॉट फ़िल्टर। तो मैं इसको क्लिक करने पर ऑन करना चाहता हूँ, यानी जो अभी मैंने कंपोनेंट बनाया है इसके ए टैग पे डालना चाहता हूँ, राउट, और ये यहाँ पर डॉलर कैट एरो कैट स्लग, ये स्लग पास हो गया। रिफ्रेश करते हैं, देखिए फर्नीचर स्लैश फर्नीचर, तो ये एक पेज खोलेगा जो कि होम जैसा ही होगा। देखो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि स्लग मैच नहीं कर रहा, तो मैंने जो यहाँ पर कंट्रोलर में जो काम किया है उसमें यहाँ पे मैंने स्लग लिखा है, जबकि होगा यहाँ पे कैट स्लग। देखिए तो फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है, और चेयर से रिलेटेड कोई नहीं है, होम अप्लायंस है, एसी में तो है प्रोडक्ट, एसी पे क्लिक करने से प्रोडक्ट आ रहा है। देखो तो जिस पे क्लिक कर रहे हैं यानी जिस पेज पे क्लिक कर रहे हैं उस पे उस कंट्रोलर का नाम आ जाए, ऐसा करने के लिए तुम यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे पास कर सकते हो प्रोडक्ट एरो प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, इसमें से पहला प्रोडक्ट ले लो उसका कैटेगरी और एरो, या तुम इस तरह से नहीं करना चाहते हो तो एरो ज़ीरो नहीं डॉट ज़ीरो, रुको एक मिनट, ये हो गया मेरा पहला डेटा, उसके बाद मैं डाल देता हूँ कैटेगरी, और ऑफ कोर्स इसमें एरो लगा के हम उसका टाइटल जान सकते हैं। तो ये मेरा एक्सेस करने का तरीका हो गया, प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी में, कैटेगरी में टाइटल चेक करो, यू मे ऑल्सो लाइक ही आ रहा है, ये मैंने फ़िल्टर पेज पे चेंज किया ना, ये तो नहीं आना चाहिए था। ओ एक चीज़ तो प्रॉब्लम हो गया, वो ये है कि यहाँ पे जो फाइल फंक्शन का ना पेज का नाम है वो फ़िल्टर होना चाहिए था, वो होम पेज को ही प्रिंट कर रहा है। देखो यहाँ पे एसी आ रहा है, जब मैं फर्नीचर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फर्नीचर आना चाहिए, बट ये इंडेक्स अवेलेबल नहीं है इसलिए ये एरर दे रहा है। ये जो मामला है यहाँ पे जो मैच नहीं करता है,
उसमें एरर आ जाएगा क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट। तो इससे बचने का एक तरीका ये होगा कि हम लोग इसको टर्नरी ऑपरेटर में कंडीशन में डाल सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, पॉसिबल है। बट अगर आपको आसान सा तरीका मैं ढूंढूं अगर आपके लिए, तो वो ये होगा कि हम उस कैटेगरी का इंफॉर्मेशन पास कर दें। जैसे एग्जांपल के तौर पे डाटा कैटेगरी जो भी मैच कर रहा है वो आ जाए, और उसके लिए कैटेगरी दो बार कॉलन वेयर, वो सब कुछ ऊपर की तरह ही है, स्लग जिसका मैच करे फर्स्ट, ये हो गया। ये जो कैटेगरी वेरिएबल है ना, इसको एक्सेस करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। तो मेरा फ़िल्टर पेज, और यहाँ पे इतना तामझाम नहीं है, डॉलर कैटेगरी एरो कैट टाइटल, सिंपल। तो इससे क्या होगा, देखो फर्नीचर आ रहा है, चेयर आ रहा है, होम अप्लाइंस आ रहा है, यानी यहाँ पे नाम बदल जा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होगा जिससे हम लोग ये काम को कम्प्लीट कर सकते हैं। बट डिज़ाइन को बाद में हम लोग ना धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करेंगे, अचानक से करेंगे तो काफ़ी आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ का सामना करना पड़ेगा। इतना आसान था ये, ठीक है। और हम लोग इसको पास कैसे किए वो भी आप देख लीजिए, देखिए ये पास किया गया तो परफेक्ट है। एक में प्रोडक्ट पास किया गया जो कि प्रोडक्ट के साथ जा रहा है, और एक में ऐसा किया गया, ठीक है। अगर आप दोनों को एक साथ पास करना चाहते हो, दोनों को एक साथ कंट्रोल करना चाहते हो, तो भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये वाला लाइन को आप हटा दो, आपका कैटेगरी तो जा रहा है यहाँ से, तो कैटेगरी जब जा रहा है आपके पास, तो लूप चलाने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स डायरेक्ट नहीं लिखना है, लिखना कैटेगरीज कैटेगरी एरो प्रोडक्ट्स, तब आपका कोई चेंजेस नहीं आएगा। देखिए एज इट इज़ काम करेगा, ये प्रोडक्ट्स डॉलर नहीं लगा ना, अच्छा कहीं भी रिफ्रेश करें, ये तो मैंने चेंज कर दिया लूप में, वो अच्छा मैंने होम पेज का ही चेंज कर दिया, सॉरी ये मेरी गलती है, मुझे फ़िल्टर वाला चेंज करना था। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैटेगरी एरो प्रोडक्ट, तो वो एक ही डेटा जो कैटेगरी पास हो रहा है उसी में दोनों चीज़ हो गया, देखो तो आपका दोनों चीज़ अवेलेबल हो गया यहाँ पर, परफेक्ट, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब हम लोग इसमें सीखेंगे कि बहुत सारा डेटा कैसे डालते हैं, बहुत सारा डेटा, ठीक है। तो इसके लिए सीखेंगे सीडर और फैक्ट्री को ऐड करना। तो सीडर और फैक्ट्री कैसे ऐड होता है ये आपको बताते हैं। देखिए अगर फैक्ट्रीज खोलते हैं तो इसमें कैटेगरी का फैक्ट्री और प्रोडक्ट का फैक्ट्री बना रखा था मैंने, इस्तेमाल नहीं किया था लेकिन बना रखा है, देखिए देख सकते हैं आप, ये देखिए फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में आ जाना है आपको प्रोडक्ट के, ठीक है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट बनाना है। और आप चाहो तो पहले आप चाहो तो कैटेगरी का डेटा इंसर्ट करा सकते हो। कैसे करा सकते हो, डेटाबेस के फोल्डर में, मैं वापस से सब कुछ बंद करके दिखा रहा हूँ, डेटाबेस के फोल्डर में आपको सीडर नाम का फाइल मिलेगा, उसमें आपको कैटेगरी सीडर में जाना है, और यहाँ पर आप पूरी तरह से डिटेल में लिख सकते हो कि आपको क्या क्या इंसर्ट करना है, वो सारी चीज़ें इंसर्ट हो जाएंगी। एकदम आसान तरीका है, वो ये है कि आपको मल्टीपल एरेज बनाने हैं, एरे के अंदर एरे करके, और वो सारे एरे को लूप में चला के इंसर्ट करा देना है, दैट्स इट है, बहुत आसान है, ठीक है। तो जैसे ये रन होगा वैसे ये तीनों चीज़ें इंसर्ट हो जाएंगी। इसमें हम डेटा भर देते हैं बहुत सारा, ठीक है, और भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ तक जितना डेटा है अच्छे से समझ लीजिए, एक कैटेगरीज नाम का वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर में एरे बनाया है, एरे के अंदर एज एन एलिमेंट ये दोनों डेटा के साथ। तो ये एक्चुअल में नाम नहीं होगा, एक्चुअल में इसको चेंज करना है हमको, तो इसका नाम होगा कैट टाइटल, ठीक है। और इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन का मामला भी है, देखिए मैं सब में चेंज कर देता हूँ, देखिए इस तरह से, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, तो ये होगा कैट डिस्क्रिप्शन। ये मैं आपको कॉलम दिखा दूँ अगर डेटाबेस में ही माइग्रेशन फोल्डर के अंदर में कैटेगरीज के ऊपर देख सकते हैं आप, देखिए कैट डिस्क्रिप्शन नाम, तो इसी नाम को फॉलो करते हुए आपको सब जगह लिखना था, देखिए कैट डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा आपको स्लग भी ऐड करना है, बट आपको ध्यान रखना है कि स्लग कैसे ऐड होगा। तो स्लग ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डॉलर कैटेगरीज कैटेगरी वेरिएबल में एक कैट स्लग नाम से कॉलम जोड़ दो, और उसके बाद डेफिनेटली इस कैटेगरी का जो टाइटल है वही उसका कैट स्लग होगा। बट इसमें याद देखो इसको स्लग भी फाई करना पड़ेगा, उसके लिए बुलाना पड़ता है str सपोर्ट को, str दो बार कॉलम स्लग, ये देखो, तो इस तरह से पास करना पड़ता है।
और ये एसटीआर इंपोर्ट नहीं हुआ है तो आपको ऊपर में इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूज़, ठीक है, इल्यूमिनेट, स्लैश सपोर्ट, सपोर्ट स्लैश एसटीआर, एसटीआर इस तरह से, ठीक है। तो बहुत शानदार तरीके से आप यहाँ पे कैटेगरी स्लग को असाइन कर सकते हैं, उसके बाद आप इंसर्ट कर सकते हैं। इस इंसर्ट करने से पहले भी ये देख लीजिएगा कि कहीं आपका डेटाबेस का जो मॉडल है वो फिलेबल है या नहीं है, तो आप यहाँ पे आके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे फिलेबल के बारे में डिस्कशन नहीं है, तो आपको आके एक लाइन लिखना होगा प्रोटेक्टेड फिलेबल, और क्या किस किस कॉलम को आप फिलेबल बनाना चाहते हैं। ऑफकोर्स हमको सारा कॉलम फिलेबल बनाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सीडर में बात ख़त्म नहीं हुआ है, इसको इंसर्ट कर कैसे कराना है वो सुनिए। इस फंक्शन को रन कराने से इतना डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंसर्ट कराने के लिए यहाँ पर लिखूँगा PHP एडिशन DB कॉलन सीड डैश डैश क्लास इज इक्वल टू और कैटेगरी सीडर, ये जो फाइल का नाम है क्लास का। देखो सीडिंग डेटाबेस और डेटाबेस का सीडिंग ख़त्म हुआ। अगर आप कैटेगरी देखना चाहते हैं तो देखिएगा ये सारा कैटेगरी ऐड हो गया होगा, देखिए ऐड हो गया, बहुत सारी कैटेगरी है जो ऐड हो गई है। और ये सारी कैटेगरी जो पहले से थी वो तो है ही है, एक्स्ट्रा जो अभी ये लिस्ट था ये इंसर्ट हो गया। बहुत शानदार तरीके से ये पॉसिबल है। आप कहेंगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट किया है किसको, कैटेगरी मॉडल को। अगर तुम ऊपर इंपोर्ट कर लोगे इसको हटा सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर कैटेगरी, और ये देखिए ऊपर में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कैटेगरी मॉडल मॉडल बुला के इंसर्ट कर दिया और कुछ नहीं। और ये चूंकि लूप में किया है इसलिए सारा डेटा एक एक करके इंसर्ट हो जाएगा, और इंसर्ट हो गया, एक्चुअली हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ रिसोर्सेज में आते हैं और यहाँ पर होम पेज पे, सॉरी कंपोनेंट में, होम कैटेगरी नेम बार में इसका जो विथ है वो एक फिक्स कर देते हैं, मिनिमम विथ। अब कितना मिनिमम विथ देना है वो आप सोच लो, तो हम मिनिमम विथ 32 देते हैं जिससे ये लंबा लंबा आना चाहिए, ठीक है। अजीब सा आ रहा था तो 32 कम पड़ गया, 48 उससे आगे जाते हैं, परफेक्ट। तो ये आप इसलिए दे रहे हैं हम ताकि ये स्क्रॉल कर सके, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो PXPY थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो आप इसको आराम से अरेंज कर सकते हैं। एक और बात है, टेक्स्ट सेंटर रहेगा, यानी कि बीच में रहना चाहिए, ये परफेक्ट लगेगा देखिए, ठीक है। और जो फॉन्ट है उसकी साइज़ को आप बढ़ा या घटा सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ लिखना होगा टेक्स्ट डैश 2-3XL, जो आपको साइज चाहिए। तो 3XL इज़ वेरी लार्ज, 2XL ऑफकोर्स XL गुड। तो इसमें आपको बीच में एग्जैक्ट लाने के लिए आपको लिखना होगा यहाँ पे फ्लिक्स और आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, एग्जैक्ट सेंटर काम करेगा, ये देखिए। तो आपको कोई ना कोई ऐसा नाम होगा जो दो लाइन में आ गया, इसलिए ऐसा एरर आ रहा है, देखो। तो फॉन्ट साइज ही छोटा करना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं, ठीक है। अब देखो कैसा लग रहा है, इज़ अ वंडरफुल, राइट। तो ये सारी कैटेगरीज हैं जो आप आराम से पॉइंट कर सकते हैं। होम अप्लायंसेस ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आ गया नाम, तो होम अप्लायंसेस के कोई डेटा होगा तो आएगा, एसी का है इसलिए एसी का आ रहा है। तो ये तरीका क्या हुआ कि इससे मेरा कैटेगरी इंसर्शन का काम थोड़ा सा आसान हो गया, बट इसमें हमको मैनुअल टाइप करना पड़ा, मतलब ये ऐसे टाइप किया तो गया। बहुत सारा ऐसा भी टेक्निक है जिससे आप है ना रैंडम डेटा को इंसर्ट करा सकते हो, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो फैक्ट्रीज़ से। फैक्ट्रीज़ में आज हम आपको बताते हैं प्रोडक्ट्स कैसे इस्तेमाल होगा। तो प्रोडक्ट्स में हम लोग जितना भी हमारे पास डेटा है, जैसे हम लोग है ना नेम लिखा, तो फैक्ट्री में जो नाम होगा वो तीन सेंटेंस में, तीन वर्ड्स में चाहिए, तो हम लिखेंगे वर्ड्स, देखो तीन वर्ड्स में चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, तो इस तरह से आपको देख लेना कि कॉलम का नाम क्या है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो जो नाम है वो आ गया, फिर प्राइस, बाकी चीज़ें तो देख लेते हैं, प्राइस आया कि नहीं आया। सीडर आपको खोल के रखना है, सॉरी फैक्ट्री, प्राइस यहाँ पे है, इसका डिस्काउंटेड प्राइस भी ऐसे रहेगा, सब फेक डेटा होगा, ठीक है। क्वांटिटी मेरे पास है नहीं तो नहीं चाहिए। डिस्क्रिप्शन हो गया है, और हम देखेंगे यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस। कैटेगरी क्या होगा, तो कैटेगरी को भी इंसर्ट कराया जा सकता है, कैटेगरी आईडी इज़ अ फैक्ट्री, एनी डेटा यू कैन गो विथ लाइक दिस कैटेगरी आईडी, और डिस्क्रिप्शन यू हैव ऑलरेडी, क्वांटिटी तो था सर मैंने हटा दिया, क्वांटिटी एंड सोल क्वांटिटी, सोल क्वांटिटी इज़ नथिंग, कितना बिका है पीस वो, तो सोल क्वांटिटी इज़ ऑल्सो बिटवीन दिस, तो वो हम लोग कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे। उसके बाद बचता है हमारे पास ब्रांड, तो द ब्रांड नेम इज मस्ट बी
वर्ड ब्रांड एरो और जस्ट अ वर्ड, जस्ट अ वर्ड नथिंग एल्स, और एस के यूज इज जस्ट अ नंबर बिटवीन समथिंग एरो नंबर बिटवीन 1 to 100, ठीक है, नथिंग एल्स। तो म्यूजिक सारे कॉलम को ऐसे फेकर की मदद से, फेकर एक पैकेज है जो लैरावेल में साथ में आ जाता है, फेकर की मदद से ऐड कर सकते हैं। फीचर इमेज की बात है तो एक्चुअली मैं फीचर इमेज तो यहाँ से स्टैटिक भेजना पड़ेगा, बट हाँ एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, वो ये है कि हम लोग दिस विच छोड़ो, पहले तो वो https फेक डेटा है ना, इसलिए आप पिकसम www.picsum.photos/photos/400 या 500 और इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क आईडी देकर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक रैंडम नंबर डाल देते हैं ताकि जो मेरा इमेज आए सब में अलग अलग आए, तो आईडी डालने से ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ डॉट लगा देता हूँ जोड़ने के लिए और ये हो गया कॉमा, तो परफेक्ट लग रहा है मुझे यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। और इस फैक्ट्री को अब हमको सीडर में इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो करने का तरीका ये है सिंपल कि हम लोग को पहले मॉडल बना देना है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ तुमको लारावेल की मदद से, दिखाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में दिखाता हूँ ताकि तुम रेफरेंस भी ले सको लारावेल, और यहाँ पे वेबसाइट खोलने के बाद डॉक्यूमेंटेशन सर्च कर लेना और यहाँ पे सीडर, ठीक है, सीडर राइटिंग सीडर। देखो सीडर बनाने का तरीका वैसे ही जैसे मैंने अभी बनाया था, बट मैं इसको फैक्ट्री से भी कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या कि पहले यहाँ पे लिखूँगा फैक्ट्री का नाम, प्रोडक्ट दो बार कॉलन, उसका फैक्ट्री, फैक्ट्री के बाद एरो और काउंट, काउंट में आपको बताना है कितना डेटा, तो हम 100 डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप 100 डेटा एरो क्रिएट, याद रखिएगा इसी तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो बहुत मज़ेदार होगा अगर मैं इसको करूँगा आप इंसर्ट, तो कमांड देख लीजिए php:artisan-db सीड, और यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है अपने सीडर का नाम, तो इसका सीडर का नाम है प्रोडक्ट सीडर, देखिए सीडिंग हो रहा है, कुछ एरर आया, किसी वजह से एरर आ गया, तो ये कह रहा था कैट टाइटल डज नॉट हैव ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन अ कैटेगरी, तो हो सकता है यहाँ पे कैटेगरी का मसला आया है, तो मैं वापस से प्रोडक्ट्स में देख लेता हूँ क्या मामला है। अच्छा इसकी कोई फैक्ट्री नहीं बनाई गई थी तो ये भी इंसर्ट फेक डेटा नहीं हो सकता, ठीक है। पहले मैं सर्वर रन करके चेक करता हूँ कि प्रोडक्ट इंसर्ट हुआ भी एक भी कि नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं ac/ हटा देता हूँ, अब देखिए एक भी डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, वजह है कैटेगरी, ठीक है। तो हम कैटेगरी में क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि कैटेगरी का आईडी कितना से कितना दूर तक है, ठीक है। तो मैं इसका आईडी पता लगाने के लिए php में एडमिन खोल लेता हूँ, लोकल होस्ट /php माई एडमिन, इससे आईडी का पता चल जाएगा, तो उतना के बीच में कोई भी आईडी को हम मैनेज कर लेंगे। बुक बिहार शॉप नाम है, सॉरी, और इसमें जो कैटेगरी टेबल है उसका आईडी देखो क्या है, 25 से लेकर 43 तक, यानी हम अगर यहाँ पर ऐसे लिख दें, इस तरह से लिख दें दिस एरो फेकर नंबर बिटवीन 25 to 43, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, हम 43 देख रहे हैं तो 43 लिखेंगे, और हम यहाँ पे वापस से इसको चलाते हैं, अगेन कमांड सेम है सीडरिंग, और ये देखो ये हमको एक और एरर आ रहा है यहाँ पे, आर्गुमेंट आ रहा है पैरामीटराइज ब्रांड में वर्ड, ये कौन से कॉलम के लिए आ रहा है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, शायद डिस्क्रिप्शन के लिए आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में पैराग्राफ है, पता नहीं क्या वजह हुआ, दोबारा अटेम्प्ट करके देख लेते हैं।
सेम इशू है, कोई बात नहीं। इसमें स्लग ऐड नहीं हुआ हुआ है, तो स्लग के लिए स्लगीफाई, तो एक और कॉलम स्लग, ठीक है। और ये जो डेटा आएगा, वट एवर द डेटा इज, str दोबारा कॉलन स्लग, और ये डाल दो बीच में, ठीक है। एनीथिंग कैन बी ए स्लग, और ये यहाँ पे भी इंपोर्ट हो सकता है। यूज़ इल्यूमिनेट स्लैश सपोर्ट स्लैश str, ठीक है। तो पता नहीं ये सही है गलत है, क्लोजेस्ट टू द एसक्यूएल, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, ये क्या है पता नहीं, एरे टू स्ट्रिंग क्या कह रहा है। एक बार मैं फेकर की जानकारी थोड़ी सी ले लेता हूँ, फेकर में क्या क्या अवेलेबल है। तो एरे और स्ट्रिंग दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, जो वर्ड्स हैं उसमें लिख देता हूँ ट्रू, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमको टेक्स्ट में चाहिए, मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ। ये छोटे छोटे एरर्स आपके हैंडल करने ही होंगे। अब आ गया कि कैन नॉट अपडेट द फॉरेन की, ये फॉरेन की का मसला, दिस फिगर बिटवीन 25 से 43, ये 25 से 43 की, 25 से देखो ये डेटा इंसर्ट कर रहा है ना, तो काफ़ी अच्छे से कर रहा है, बट इसको छोटा सा मामूली सा एरर है, इसको देखना पड़ेगा। वापस ट्राई करते हैं इंसर्ट करने का। कैटेगरी आईडी, कोई बात नहीं, डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ वो चेक कर लेते हैं। देखो इसमें बहुत सारा डेटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है, परफेक्ट। तो डेटा इंसर्ट हुआ है, रिफ्रेश करते हैं और देख सकते हो तुम बहुत डेटा आया, बट किसी में भी इमेज ठीक से नहीं आया है, ये एक इशू है। और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे प्राइस भी सही से इंसर्ट नहीं हुआ है। ओ अच्छा, प्राइस और डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस ये मेंशन करना भूल गए, एरर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पिक्सम डॉट फोटोज़, www. नहीं, पिक्सम डॉट फोटोज़, देखो सब कुछ ठीक था, बट डेटा डिलीट करना पड़ेगा अभी हमको। डेटा 17 डेटा इंसर्ट हुआ है, बट उसमें कुछ एरर था जिसकी वजह से इसको खाली कर देते हैं। तो किसी प्रोडक्ट टेबल को एम्प्टी करने का तरीका यही है, सिंपल और आसानी से ये खाली हो सकता है। देखो ये टिक अनटिक कर दो और उसके बाद करो, ठीक है। वापस से इसको सीडर को चलाओ और इंसर्ट करने की कोशिश करो, एक दो एरर आ रहा है। नंबर बिटवीन चेक करो, इसमें एक डेटा ही इंसर्ट हुआ है। और मैं ट्राई करता हूँ, ये छोटी सी माइक, कोई ऐसा आईडी आ रहा है शायद जिसका कैटेगरी से लेना नहीं है, शायद मैंने जो इंसर्ट किया कैटेगरी उसी में कहीं गड़बड़ है। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 43 तक आईडी तो मैं सही डाल रहा हूँ ताकि ये प्रोडक्ट टेबल में कैटेगरी आईडी ठीक से आए।
कोई तो होगा जो मैच नहीं कर पा रहा। चलो एक दो बार ऐसे करेंगे तो थोड़ा थोड़ा इंसर्ट हो जाएगा। अब टेस्ट करते हैं कि हाँ इंसर्ट हुआ कि नहीं। तो देखो इंसर्ट तो हो गया, बट ये इमेज ऐसा दिख रहा है। वजह है कि मैंने उसके आगे स्लैश वगैरह लगा रखा है, जिससे ये इमेज पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है। कहाँ मैं दिखाऊँ आपको? तो ये प्रोडक्ट कार्ड के पास है ऐसा। ये वाला हटाना पड़ेगा तत्काल थोड़ी देर के लिए, ताकि ये इमेज दिख जाए डमी वाला। देखो दिख रहा है, और ये परफेक्ट प्रोडक्ट है। किसी भी क्लिक करोगे उसका इमेज दिखेगा। इमेज यहाँ भी दिखाना चाहते हो तो इसके लिए तुमको यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। तो अभी हम फिलहाल इसके फेवर में नहीं है कि हटाना है, बट आपको दिखा दिया कि हाँ काम कर रहा है। ठीक है, पीछे आओ थोड़ा सा और ये देख सकते हो। ठीक है, तो काम कर रहा है, इंसर्ट हो रहा है डेटा, लेकिन आपको रियल डेटा इंसर्ट करना है। सीडर और फैक्ट्री में तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए डेटा डाला ही जाता है, तो टेस्टिंग नहीं करना है हमको अभी। अभी हमको रियल डेटा डालना है। ठीक है, तो अगली बार जब वीडियो बनाने आएंगे तो उसमें थोड़ा सा प्रोजेक्ट ऐड करके आइएगा, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को आगे और ले जा सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।